नमस्कार सभी भाइयों को, और आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल में। और आज हम बनाएंगे चिकन, तो सभी लोग ध्यान से देखें और रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलो तो दिखाते हैं आगे। ये हमारा तेल गरम हो रहा है और इधर प्याज पड़ी हुई है, और ये हमने थोड़ा सा लहसुन और अदरक ये चीज रखा है। हमने इसमें टमाटर को ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटर से अपनी जो सब्जी है वो थोड़ा खट्टापन ले आती है, इसलिए आज हम सिर्फ प्याज लहसुन और अदरक के साथ बनाएंगे। और ये आपका चिकन, चलो आगे दिखाते हैं। तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद प्याज को फ्राई करेंगे। देखते हैं प्याज तेल गर्म हो गया या नहीं। इसमें एक प्याज डाला, अभी गर्म नहीं है वरना ये थोड़ा सा पकने लगता, तो हम गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। अब तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद प्याज को अपने फ्राई करा जाएगा। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें अब प्याज को डालेंगे, और प्याज को थोड़ा हल्के आंच पे पकने देंगे इसे, जैसा कि मैंने आपको पिछले पनीर वाली वीडियो में बताया था। हल्का सा नमक भी डालेंगे अभी, पहले प्याज को पूरी डाल लेते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होता है, प्याज हमारी जलती नहीं है और वो जो पानी होता है प्याज का वो अच्छे तरीके से इसमें दिखने लगता है, मिक्स हो जाता है। और ये प्याज हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अभी थोड़ा सा इसे अच्छे से मिला ले तेल में, ताकि तेल में अच्छे से मिल जाए। धीमी आंच पे पकाएंगे तो गैस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये अच्छा इसमें कलर आने लगा है, हल्का सा लाल लाल सा हो रहा है। और अब इसमें प्याज को थोड़ा सा ऐड करेंगे, और सॉरी नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। ये वीडियो में आपने देखा था, ये है नमक। नमक को चुटकस थोड़ी सी चुटकी भर लेंगे, ज्यादा नहीं, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तब इसके अंदर और भी चीजें ऐड करा जाएगा, पहले प्याज को पकने देते हैं। और ये प्याज हमारी लगभग भुन चुकी है, अभी ज्यादा नहीं भुनी है, तब तक इसमें मिर्च और अपना अदरक का पेस्ट भी इसमें डालते हैं, ताकि ये भी अपना पकता रहे, और उसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर ये हमने मिर्च डाल दी इसके अंदर कटी हुई, और इसके अंदर हमने ये डाल दिया आपका अदरक का पेस्ट, और इसके बाद इसमें जाएगा ये आपका लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट नहीं है, हमने जो कद्दूकस होता है कद्दूकस हमने इसे दरअसल कस दिया, क्योंकि मेरे को लहसुन पसंद है नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा, जब छोटा हो जाता है तो मैं खा लेता हूँ उसे, आप चाहें तो बड़ा भी करके डाल सकते हैं। खड़ी लहसुन की पूरी एकदम, जब आपका लहसुन खड़ा होता है पोटी, उसे पोटी कहा जाता है हमारे यहाँ, तो गाँव में पोटी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, तो आप उसे डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी पकने लगी है, और इसको थोड़ा सा गैस को तेज करते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि गैस ज्यादा बहुत धीमी हो गई है। इसमें पूरा स्वाद मिल जाएगा प्याज के साथ ही, इसलिए इसे लहसुन और अदरक को भी पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या मसाले इसमें ऐड होंगे, तब तक इसे पकने देते हैं।
और ये प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम जो मसाले ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हल्दी आपकी टेस्ट के अनुसार, मैं ज़्यादा लाया नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ी सी, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च टेस्ट अनुसार। अब इसमें ये जाएगा आपका, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि काली मिर्च पाउडर जो कि खाने को डाइजेस्ट कर देता है, ये डाल दिया थोड़ा सा। और अब इसमें हम डालेंगे ये आपका एबीएस का सब्जी मसाला है, ये डाल दिया इसके अंदर। एक और चम्मच डालेंगे, ये गई, और ये एक और चम्मच डालेंगे। चिकन में जब तक मसाला ना हो मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए तीन चम्मच हमने ऐड कर दिया। और आप इसको मिक्स करेंगे। आज इसके अंदर जो एडिशनल मसाला है वो हम मैगी मसाला नहीं डालेंगे, अदर मसाला डालेंगे इसके अंदर। और मैं आपको दिखाता हूँ वो मसाला कौन सा। चलो इसे पकने देते हैं। और वो मसाला है आपका, मैं वैसे MDH का मसाला खाता हूँ बट MGH का तो मसाला मिला नहीं। ये मसाला है GCMC स्पाइसी चिकन मसाला। चलो इसको फाड़ लेते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे वरना हमारा मसाला जो है चिपकने लगता है। तो चलो इसे फाड़ लेते हैं एक बार। ये मसाला हमारा फट गया और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं आज इस मसाले को इसलिए ले गया हूँ, मैंने पिछली बार भी जब बनाया था चिकन तो उसके अंदर क्या था कि एक MDH का मसाला डाला था और MDH का मसाला खत्म हो गया था, तो आंटी ने मेरे को यही दिया था, बोला था ये ले जाओ। तो मैंने कहा आज लेके चलते हैं इसे, फिर दोबारा देखते हैं। चलो ये देखिए मसाले का टेस्ट, मसाला अच्छा ही लग रहा है, गाढ़ा ही है। ये हमने इसके अंदर डाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई में मसाला चिपकने लगा है। ज़्यादा पानी ना डालें अगर आप तरी वाला मुर्गा नहीं खाते तो, हल्का ही पानी डालें क्योंकि जब आप चिकन को डालते हैं तो चिकन भी थोड़ा बहुत पानी आपका छोड़ता है, इसलिए हल्का सा ही पानी रखें। और मैं तरी वाला तो बनाऊंगा भी नहीं, थोड़ा सा तरी रहता है क्योंकि मेरे को रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद है। तो ये हमने थोड़ा सा और पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी नहीं है इसके अंदर देख सकते हैं आप। और ये हमने गैस को तेज कर दिया, जब थोड़ा सा मसाला हमारा पक जाएगा फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। तो अभी पानी को पकने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये हमारा मसाला पक चुका है, हमारे पानी में उबाला गया, और हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो चिकन है। तो इसमें एक एक करके ऐड करते हैं, चिकन को थोड़ा दबा लें क्योंकि पानी इसमें रहता है चिकन में। और ये हमने डाला, ये अब इसको मिक्स करेंगे। देख सकते हैं ये बना नहीं है, तो कलर कैसा है पानी का। चलो ये हमने भी ढक रखा है थोड़ा सा पकने के लिए, और देख सकते हैं गैस जो हमारी है ज़्यादा तेज नहीं है, इसे नॉर्मल पे रखा है हमने ताकि धीमे धीमे पकता रहे। अगर ज़्यादा तेज आप गैस कर देंगे तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो चल जाता है, इसलिए आप गैस को जो है नॉर्मली रखें, ज़्यादा तेज नहीं। देखो ये पास से दिखा रहा हूँ इसलिए आपको तेज लग रहा होगा, बट ये तेज नहीं है। अब इसे पकने देते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं इसे।
चलो अब बर्तन उठा के देखते हैं कि अंदर का कैसा पका हुआ है और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि हमारा जो जहाँ पे कच्चापन रहेगा वो भी पक जाएगा आपका। तो एक बार हटाते हैं, ये डाला भाई, ये देखो ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आज मैं धनिया की पत्ती डाल के आपको सर्व नहीं करूंगा, आप ऐसे देखिए। धनिया की पत्ती डालने से लोग अपनी सब्जी को ज्यादा खूबसूरत बना लेते हैं, तो हम इसमें धनिया की पत्ती नहीं डालेंगे। और ये देखिए कुछ लग रहा है आपको, दिखा इसका कलर देखिए सब्जी का कितना गाढ़ा है और टेस्ट कैसा होगा फिर आप सोच सकते हैं। अब इसमें मैं नमक नहीं डाला है, नमक डालेंगे थोड़ा सा पानी इसका हल्का होने के बाद, क्योंकि पहले से अगर आप नमक डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा नमक तेज हो जाता है, तो हम लोग खाएंगे और आप लोग कहेंगे कि वाह टेस्टी बनी होगी, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि पहले से नमक डालने के बाद वो टेस्टी नहीं, उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। इसको पकने देंगे और बाद में नमक डालेंगे, आपको दिखाएंगे जब, ठीक है। चलिए 5-7 मिनट और पकने देते हैं इसे। और ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब इसमें हम नमक को ऐड करेंगे। ये हमारा नमक, आप कितना खाते हैं मेरे को पता नहीं, हम नमक थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए इसमें इतना नमक डालेंगे कि बस आपका जो है ये मिक्स हो जाए अच्छे से। थोड़ा सा और लेंगे, कम लग रहा है मेरे को, क्योंकि नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। ये मत देखें कि मैंने 2 चम्मच डाला है तो आप 2 चम्मच डालें, या मैंने 1.5 चम्मच डाला है तो आप 1.5 चम्मच ही डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप किस तरीके का नमक खाते हैं वो आप लोगों को पता होगा, हम किस तरीके खाते हैं हमें पता होता है। तो नमक आप लोग अपने हिसाब से डालें, और ये हमारी ज़्यादा तरी भी नहीं है तो ये सूखा ही बनाया है हमने, तो ये आप देख सकते हैं क्या देख के बढ़िया लग रहा है। और इसमें अगर हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे तो क्या लाजवाबी लगेगा फिर, तो इसलिए मैं धनिया पत्ता तो नहीं डालूंगा। और बाकी आप लोग ये ट्राई करें और देखें आपको कैसा लगता है। 2 मिनट इसको हल्का सा पकाएंगे बस, और ये हमारा बन के तैयार है, क्योंकि हमारा नमक तब तक गल जाएगा 2 मिनट। देखिए क्या स्वाद है, पानी आ रहा है, महक रहा है बढ़िया। ये देखो एकदम तैयार। दोस्तों आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं, और आप लोग बनाएं घर पे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब कर दें, और अपने भाई को ऊपर तक लेके जाएं ताकि आपका भाई आपको नई नई रेसिपी सिखाए। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।